नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, इसमें अगर देखेंगे रांची में, तो इसमें वैकेंसी आया हुआ है। दोस्तों, वैकेंसी किस चीज का है? सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड की वैकेंसी है। कौन के पदों की वैकेंसीज है यहाँ पे देख सकते हैं, असिस्टेंट और क्लर्क की वैकेंसीज है, ठीक है, सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड में, ठीक है। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज कितना है, 410 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है सारा के सारा पोस्ट, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे अनरिजर्व में तो दोस्तों आप देख सकते हैं 130, वहीं पे शेड्यूल कास्ट में देखेंगे तो 58, शेड्यूल ट्राइब में 143, BC1 में 38, BC2 में 14 एंड EWS में 27। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका हो गया 410 पदों की वैकेंसीज है। इसमें रिजर्वेशंस ऑफ वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पे ये रिजर्वेशंस ऑफ वुमेन्स के लिए भी ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो कब से कब तक अप्लाई करना है, तो देखिए दोस्तों, जिन दोस्तों को अप्लाई करना है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं 10/4/2024, यानी 10 अप्रैल 2024 से इसका आवेदन शुरुआत हो रहा है, और आप इसमें भर सकते हैं कब तक, 9/5/2024 यानी मई तक, ठीक है, 9 मई 2024 तक आप इसमें आवेदन भर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे पे स्केल की बात कर लें और साथ ही क्वालिफिकेशन, तो मैं बता दूं, पे स्केल जो है दोस्तों आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 4 एंड 7 PRC के हिसाब से अगर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 के बीच, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका बात करें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो देख सकते हैं ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल, यानी आपका एक कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही एसेंशियल है। कंप्यूटर में आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए काम करने, वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होना चाहिए। और साथ ही आपका डिग्री ऑफ मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री किसी भी या उसका सिमिलर भी है तो भी आप चल सकता है, ठीक है। डिग्री कहने का मतलब है कि BA में है आप, BSc है, BCom है, इसके अलावा BCA किए हैं, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए। कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बट आपका कंप्यूटर चूंकि टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर रिलेटेड टेस्ट भी लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो इसमें सारा पॉइंट टू दी पॉइंट सारा चीज मेंशन किया हुआ है दोस्तों, आप खुद भी देखेंगे तो मैं PDF इसका आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, टेलीग्राम में आप खुद जाके इसको पढ़ भी सकते हैं, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जैसे 9 तारीख को, 9/5 को आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, 9/5/2024 तक आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस जो है, ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर अगर पॉइंट देखेंगे तो कैंडिडेट मस्ट बी वेल विद द कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर्स विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट, यानी इसमें ये मेंशन किया हुआ दोस्तों कि आपका कंप्यूटर में जो एक एसेंशियल नॉलेज मांगा गया है कि वो आपका आना चाहिए, और मिनिमम आपका टाइपिंग स्पीड कम से कम 20 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, प्रैक्टिस करके आप आसानी से 20 वर्ड प्रति मिनट की गति से आप टाइप कर सकते हैं, तो वो एक एसेंशियल जो मांगा गया वो है। और इसके अलावा अगर देखेंगे द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट्स गेम एंड स्पोर्ट्स कोटा शैल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स कंटेंट इन संकल्प नंबर दिया हुआ है 1709 और 12/9/2007 के से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आर्ट्स ये ग्रुप सी हूँ, तो आपका स्पोर्ट्स कोटा से जो रिलेटेड है उन लोगों के लिए, द कैंडिडेट शुड पोसेस शुड हेल्थ गुड मॉरल, ये सारा चीज तो एक अलग चीज है कि आपका अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, आप फिजिकली फिट हो, आपका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो सारा चीज है यहाँ पे। और उम्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और अबव ईयर्स, यानी कम से कम 21 साल या 21 से अधिक होना चाहिए, बट कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल में 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 ईयर्स, यानी अगर देखेंगे तो न्यूनतम आपका 21 वर्ष, और जनरल में कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल में 35 दिया है। वहीं पे EWS कैटेगरी से अगर देखेंगे, अनरिजर्व एंड EWS दोनों के लिए 35 ही है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 37 ईयर्स इन केस ऑफ BC1, ठीक है,
BC1 में अगर देखेंगे और BC2 में, तो यहाँ पे देखिए BC1 एंड BC2, इन दोनों में आपको 37 मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे SC ST में, तो यहाँ पे आपको 38 दे रहा है आपका अनरिजर्व महिलाओं के लिए, फीमेल्स में BC1 BC2 इन लोगों के लिए 38 है, और SC ST में देखेंगे तो 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इनक्लोजर टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त आपको कौन कौन से चीजें चाहिए सबमिट करना है, वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है टू दी पॉइंट। ए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एक लेटेस्ट आपका फोटो और सिग्नेचर चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का एक स्कैन कॉपी भी आपको देना पड़ेगा इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट आपको देना है, ग्रेड शीट इन केस डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्स इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा गया, आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं। तीसरा बात करें कि स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का जो प्रोविजनल हो या डिग्री सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है। स्कैन कॉपी, तीसरा अगर देखेंगे यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA एटलीस्ट 6 मंथ, तो ये आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, 6 मंथ का DCA सर्टिफिकेट है, वो भी आपको अपलोड करने मांगा गया है। स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कंटेंट लेटर नंबर, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा अगर देखेंगे एग्जामिनेशन फी की बात करें, तो एग्जामिनेशन फी जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 500 रुपीज आपको लगेगा अनरिजर्व BC1 BC2 EWS कैटेगरी से। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 125 यानी 125 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, पे ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप UPI के थ्रू, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो के जरिए, नया नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म पे का। अब देखिए आपका जो स्कीम होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें, यानी जो सिलेबस रिलेटेड जिसमें असिस्टेंट और क्लर्क की होगी सिविल कोड में, तो इसमें देखिए आपका रिटन टेस्ट देखिए 3 चरणों से होगा। रिटन टेस्ट होगा, देन कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, एंड देन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि 5 मिनट का होगा। ठीक है, इसके अलावा रिटन टेस्ट जो है वो 90 मार्क्स का होगा, और ये आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 2 घंटे का होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट मात्र 5 मिनट का होगा, और इंटरव्यू आपका 15 मिनट का होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। जनरल EWS और BC1 एंड BC2 में आते हैं तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग करने के लिए, एंड SC ST में 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। और यहाँ पे अगर देखें कंप्यूटर स्किल टेस्ट में, तो दिया है कि 100 वर्ड एट द मतलब 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है अगर देखेंगे 5 मिनट में। ठीक है, और इंटरव्यू में मिनिमम बोला गया है कि 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, यानी 5 मार्क्स आपको एटलीस्ट लाना पड़ेगा इंटरव्यू में, तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है सिलेबस आपका क्या क्या पूछा जाएगा, किन सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं इसको ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 तीनों भागों में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 में देखेंगे तो जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, एज वेल एज इंग्लिश ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स से रहेंगे वहां से। ग्रुप 2 में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आपका रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा यहाँ से। और ग्रुप 3 में देखेंगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस ही रहेंगे, 30 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से अगर देखेंगे तो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस, 60 हो गया 60 मार्क्स, एंड 20 क्वेश्चन जो रहेगा आपका इंग्लिश से और ऐसे राइटिंग से 10 क्वेश्चन, इन टोटल 90 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 90 मार्क्स, और इन सेगमेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएगा। परीक्षा का जो स्तर होगा वो जो मैट्रिक स्तरीय ही दिखा हुआ है कि मैथ रीजनिंग जो है मैट्रिक स्तरीय पूछा जाएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो आपका मांगा गया है 20 वर्ड पर मिनट की गति से, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये रहा आपका जो झारखंड में सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड वैकेंसीज, एक अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों, 400+ वैकेंसीज है, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी है, सिलेबस भी दिया हुआ।
जिन दोस्तों को इससे रिलेटेड आगे और भी कोई क्वेरी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का जो भी क्वेरी है उसका वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।